चाहे कपड़े हो, ग्रोसरीज हो, दवाइयाँ हो या हो कोई भी घर का अन्य सामान, और आपको चाहिए हो इंस्टेंट डिलीवरी, अभी डाउनलोड करिए बिग ब्लिस ऐप। बिग ब्लिस ऐप पहुंचाएगा सारा सामान 10 मिनट में। बिग ब्लिस ऐप है खुशियों की अपनी दुकान। नमस्कार, स्वागत आप सभी का बाजार की हलचल के अंदर। मैं हूं आपके साथ अखिलेश शाठी, और बाजार की हलचल में चर्चा करेंगे कि यहां पे बाजार में कितनी हलचल देखने को मिल रही है, किस इंडस्ट्री से क्या खबर है, कृषि फसलों की, नॉन एग्री की, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की, इन सब पर एक नज़र डालेंगे। तो शुरुआत करेंगे सबसे आप पहली खबर से जो कि निकल के सामने आ रही है इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की। तो रुपये में गिरावट का असर अब घरेलू उपकरणों और इनकी बढ़ती लागत पर भी पड़ने लगा है, और बहुत ही जल्द इसका असर उपभोक्ताओं पर पड़ने वाला है। बाजार के जानकारों की माने तो टीवी, वॉशिंग मशीन और रेफ्रिजरेटर्स की जो कीमत है वो बढ़ सकती हैं। मई के अंत तक या फिर जून के पहले सप्ताह से इनमें कम से कम लगभग 3-5% तक बढ़त की उम्मीद की जा रही है। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि मैन्युफैक्चरर्स अपनी बढ़ती लागत का असर खरीदारों पर डाल सकते हैं। उद्योग के जानकारों के मुताबिक अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपये में गिरावट ने मैन्युफैक्चरर्स पर संकट और ज़्यादा बढ़ा दिया है, क्योंकि आयातित घटक महंगे हो गए हैं। यह उद्योग मुख्य रूप से प्रमुख घटकों के आयात पर निर्भर है। कोविड-19 केस में बढ़ोतरी के कारण चाइना के शंघाई में सख्त लॉकडाउन से इसके बंदरगाह पर कंटेनरों के ढेर लग गए हैं, इससे भी पोर्ट्स पार्ट्स की कमी हो गई है। कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड अप्लायंसेस मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के मुताबिक डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपये में गिरावट उद्योग के लिए और अधिक समस्याएं पैदा कर रही है। कच्चे माल की कीमतें पहले से ही बढ़ रही हैं, और अब अमेरिकी डॉलर भी मजबूत हो रहा है, भारतीय रुपये लगातार कमजोर हो रहा है। सभी मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां अब बॉटम लाइन देख रही हैं। जून से कीमतों में 3-5% वृद्धि दिख सकती है। यह बढ़ोतरी वॉशिंग मशीन और कूलिंग उत्पादों जैसे एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर और कूलर के अलावा अन्य उपकरणों से लेकर अधिकांश उत्पाद श्रेणियों में होगी। एसी बनाने वाली कुछ कंपनियों ने पहले ही मई में कीमतों में वृद्धि कर दी है। दूसरी कंपनियां अब या फिर जून तक कीमतें बढ़ा सकती हैं। अगर डॉलर अभी भी भारतीय रुपया के मुकाबले 77.40 रुपये पर बना रहता है तो कंपनियों के लिए आगे मुश्किल हो सकती है। तो यानी कि भारतीय रुपये में जो गिरावट आ रही है अमेरिकी डॉलर के मुकाबले, उसका सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमी पर ही नहीं बल्कि अन्य चीज़ों पर भी असर पड़ेगा। उसमें से इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री एक है। अब ऐसी आशंकाएं हैं कि जो इलेक्ट्रॉनिक सामान है वो मई के अंत या फिर जून के पहले सप्ताह में महंगा हो सकता है। कोरोना के इस दौर में आपको नहीं जाना बाहर। बिग ब्लिस पहुंचाएगा सारा सामान आपके घर 10 मिनट के अंदर। तुरंत डाउनलोड करें बिग ब्लिस ऐप, खुशियों की अपनी दुकान।